और अब बात नवरात्र की। नवरात्र पर सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर मां दंतेश्वरी मंदिर का एक वीडियो शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने माता रानी को नमन किया है। सीएम ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लिखा, मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। एक माना जाता है प्राकृतिक सौंदर्यता के मध्य स्थित माता का मंदिर, पवित्र शंखनी दंतेश्वरी माता का मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ हमारी आदि संस्कृति। ये मंदिर बस्तर क्षेत्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा की बसों का शुभारंभ किया। इन बसों के जरिए भक्तों को मां बम्बलेश्वरी के दर्शन करवाए जाएंगे। ये बसें भक्तों को निशुल्क दर्शन करवाएंगी। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों का शुभारंभ किया। और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो मां बम्बलेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। भगवा ध्वज दिखाकर इन बस को रवाना किया गया। इधर शारदीय नवरात्र के मौके पर धर्मनगर दंतेवाड़ा में सुबह से मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहे। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं देश विदेश से। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अश्विन मास प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है। आज देवी जी की प्रथम दिवस कहा जाता है, जो शैलपुत्री का पूजा किया जाएगा। देवी का अलग से श्रृंगार की जाएगी। आज उनकी पूजा विधि जो है वो शैलपुत्री हैं, इसलिए क्या है, आज उनकी एक सात्विक पूजा है। ये आज खीर पूड़ी मेवे का। धर्मनगरी दंतेवाड़ा में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने को यहां दूर दराज से जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। आप, मैं अपने साथी से कहूँगा, दिखाएं कि जो लंबी कतारें लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि माता के भक्त जो दर्शन करने को आए हैं, देखिए लंबी कतारें हैं। और आइए, हम कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हुए, माता के जो भक्त हैं उनसे बात करते हैं। बताएं कि आज माता का जो पहला दिन है नवरात्र का, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी आस्था है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लाइन लगा है फिर भी इतने लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दंतेवाड़ा में ऐसा हो रहा है। भाई साहब बताएं कि आप माता दंतेश्वरी दरबार में आ पाए हैं, नवरात्र का पहला दिन है, बताएं कैसे अनुभव कर रहे हैं? जी भैया, मैं सुकमा से आया हूँ भैया, प्रॉपर तो मैं कोंडागांव से हूँ, मैं सुकमा में अभी जॉब में हूँ। तो माता का दर्शन बाकी 9 दिन में बहुत भीड़ भाड़ होता है दंतेश्वरी माई का, तो आज मैं पहला दिन है, आज ही दर्शन कर लूँ ऐसे करके मैं सोचा। और यहाँ कतारें बहुत लंबी आज से लगी हुई है, आज से अब 9 दिन और काटना है तो और कितनी भीड़ भाड़ होगी। आस्था का प्रतीक है माँ श्री 1008 माँ पीठ माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में उपस्थित हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं हम। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और कब से आ रहे हैं? बहुत अच्छा, माता के दरबार में सब सुख शांति है, मांगने के लिए हम लोग आए हैं। और बताएं आप कितने वर्ष हो गए आते आपको? आते आते 22 साल हो गया। तो देखिए अंकल ने बताया कि माता जी के दरबार में आने से सुख शांति है, यहाँ देश विदेश से भी लोग माता जी के दर्शन को यहाँ पहुँचते हैं। मैं आपको नवरात्र के इस पावन वर्ष की देश प्रदेश वासियों की हार्दिक शुभकामना के साथ, मैं दिनेश गुप्ता, न्यूज 18 दंतेवाड़ा। नवरात्र के पहले दिन रायपुर में विशेष पूजा अर्चना हुई। राजधानी के प्राचीन मां महामाया मंदिर में खास सजावट की गई। मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मंदिर में मां महामाया और समलेश्वरी देवी विराजित हैं। सबसे पहले मंदिर प्रांगण में मां महामाया देवी के चरणों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फिर मां समलेश्वरी पर। इस मंदिर में पहली जोत 10 साल की कन्या जलाती है। खास बात ये
कि माचिस से नहीं बल्कि पत्थर की चिंगारी से ज्योति कलश प्रज्वलित होता है। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है और ना केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में नवरात्रि की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और राजधानी रायपुर के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है वो तांता लगा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के सबसे पुराने करीब 1300 साल पुराने प्राचीन महामाया मंदिर में और इस मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है क्योंकि इस मंदिर की मान्यताएं ही इतनी खास है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मंदिर में मां महामाया और समलेश्वरी देवी जो है वो विराजित है और इस मंदिर की तमाम मान्यताएं हैं। और उससे पहले मंदिर प्रांगण की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जो है पहुंचे हैं। और इसके अलावा आपको मंदिर की मान्यताएं के बारे में हम बात करें तो इस मंदिर में सबसे पहले जो ज्योत जलाया जाता है वो 10 साल की कुंवारी कन्या के हाथ से जो है वो जलवाई जाती है, जिसके बाद माता के गर्भगृह में जो है वो ज्योत जलाई जाती है। और इसके अलावा साल मंदिर प्रांगण में करीब 11,000 ज्योत जो है वो जलाए गए हैं। तो तमाम मान्यताएं मां महामाया मंदिर के है और यही कारण है कि लोग दूर दूर से धमतरी में जल जगार कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। टेंडर की शर्तों को